आप जो एक बात बताते हो कि मैं अभी इसलिए यहां पे हूं और मुस्लिम धर्म मुझे जो मिला बाय बर्थ, उसके पीछे एक रीजन है, वो क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन जो लोग शायद श्री एम को इतना नहीं जानते उनके लिए नहीं बात होगी। ये अब इसमें अब पुनर्जन्म की बात निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा इसमें। मैं एक जन्म में, अभी नहीं, दो जन्म पहले का जन्म में, श्री गुरु बाबा जी जो अभी भी हिमालय में हैं, जिनको योगानंद परमहंस ने महावतार बाबा जी के नाम से बोला, मैं उनका शिष्य था। पुनर्जन्म की बात है, इसको स्टोरी समझ सकते हैं या रियलिटी कुछ भी हो, मैं जो मेरे मन में है उसको कह रहा हूँ। तो हम वहाँ रहते थे पांडुकेश्वर के पास, एक बड़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से, तीन जनरेशन से बाबा जी के शिष्य थे वो लोग, और जनू पहने हुई फैमिली थी। तो मैं बचपन में ही सोच लिया कि मैं योगी बनूँगा बाबा जी के जैसे। तो बाबा जी का शिष्य बना और बहुत सारा ध्यान किया, कुंडलिनी योगा वगैरह जो बाबा जी ने क्रिया योग सिखाई सब। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कहीं दूर जाके बद्रीनाथ और पांडुकेश्वर के पास एक जगह में बैठकर मैं ध्यान कर रहा था। अच्छी तरह ध्यान में समाधि का स्टेट होता है कभी, तो उस स्टेट में एक मुस्लिम फकीर आए। तो उनके गुरु, गुरु नहीं कहते हैं वो लोग, उनका क्या है, मुर्शीद कहते हैं, उनके मुर्शीद कहे, उन्होंने कहा कि वो मैं अभी जा रहा हूँ शरीर छोड़ के, जब तक जितना तक तुम्हें बोल सकता हूँ मैं इतना सिखा दिया हूँ, अब तुम हिमालय में जाओ और ढूंढो, वहाँ एक यंग योगी बैठे हुए हैं, उनका नाम बताऊँ कि नहीं बताऊँ, मधुकरनाथ है, तो वहाँ जाइए और बाकी जो तुम्हारा आगे बढ़ने का जो तरीका है वो उनसे सीखना चाहिए। तो ये ढूंढ ढूंढ के हमारे पास पहुँचे और मैं बड़ी ध्यान में, गहरे ध्यान में समा दी। वो आके मेरे हाथ पे ऐसा पकड़ के बोला, आँख खोला तो मुझे इतना क्रोध हुआ कि मैंने सोचा पहले क्या वो मौलवी जैसे लंबी दाढ़ी गिरी रख के आए हैं पगड़ी बांध के, और दूसरा वो नहाए नहीं है बहुत दिन से ट्रैवल करके आए, और मैं अभी गंगा में स्नान करके अलकनंदा में बैठा हूँ, तो ये मुझे, मैं बोला क्या चाहिए वो मुझे, मैंने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम है, आपको मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम ब्राह्मण नहीं हो, मैं कहाँ इंस्ट्रक्शन दूंगा तुम अभी। तो उन्होंने कहा कि आप अगर मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैंने बोला वो आपकी मर्ज़ी, आत्महत्या करना है तो करो। ये हमारे अंदर इतना क्रोध और ये जो ईगो हो गया था, वो एक्चुअली आत्महत्या कर लिया बेचारा। मुझे उससे भी इफेक्ट नहीं हुआ, बाबा जी आए बोले कि इतने साल से ट्रेनिंग किया तुम्हें, क्या ऐसे ईगो और क्रोध के लिए किया, क्या हो गया तुम्हारा, कैसे योगी बनता है? उन्होंने कहा पतंजलि योग सूत्र मेरे साथ तुम पढ़े ना, पहली बात क्या कहा है उसमें, यम नियम में अहिंसा, अहिंसा में क्या करना है, क्रोध को तो कंट्रोल करना है, और तुम्हारा ईगो इतना बढ़ गया। तो मैंने तब मुझे मालूम हुआ कि भैया क्या हालत हो गई है, क्या काम किया मैंने। ये कितने जन्म पहले की बात है? अब ये कहाँ बताएं, लोग कौन विश्वास करेगा, तीन जन्म पहले की बात। तो मैंने बाबा जी को कहा अब मुझे आगे बढ़ना है, तो ये जो मैंने किया इसको क्या करें, इसको कैसे बचें इसमें से, तो आप जो आज्ञा करेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है, खेचरी मुद्रा करो, शरीर छोड़ो। वो हमारे पास वो नाथ पंथ में एक ऐसा प्रैक्टिस है, इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं, जिससे सारा एक्टिविटी बंद हो जाता है बॉडी में। अगर एक्टिविटी बंद हो गया तो एक घंटे से ज़्यादा सोल उसमें, आत्मा नहीं रह सकता है, सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। तो बोला करो और ख़त्म करो। तो मैं बोला फिर क्या होगा आगे? बोला तुम अभी दो तीन जन्म ऐसे घूमते रहोगे और कहीं एक जगह में आओगे, पैदा होगे, मैं वहाँ से तुम्हें रिट्रीव कर लेता हूँ, वापस पकड़ के ले आऊँगा, मैं किसी को भेजूँगा, मगर तुम एक मुसलमान फैमिली में पैदा होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि उसकी उसका दर्द क्या था, उसका पेन क्या था, वो तुमको तब पता चलेगा।
मैंने कहा इतनी बड़ी कठिन कर्म करना पड़ेगा क्या? बोले करना पड़ेगा। इसमें कठिन है नहीं है ये नहीं है सवाल, करना पड़ेगा। आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? चल। अच्छा, तो ये पूरी घटना है जो उसके बाद 8 साल की उम्र में महेश्वरनाथ बाबा जी को उन्होंने भेजा कि लड़का कहीं घूम रहा है पकड़ के ले आओ। और फिर जाके ये वो 8 साल की उम्र में उनको मैं खाली 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं मिला हूँगा। महेश्वरनाथ बाबा जी जो बाबा जी के शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे, त्रिवेंद्रम में घर के पीछे जब मैं खेल रहा था मैंने देखा कि कटाल के पेड़ के नीचे कोई खड़े हुए हैं। मैंने कहा कौन है? जटाधारी हैं, हम वहाँ कोई जटाधारी को देखे नहीं हैं, कुछ मालूम नहीं था। तो वो ऐसे पास में बुलाए, मैं गया तो मैं देखा। पहले तो बाद में मुझे समझ में आया वो 6'2" आदमी है, बचपन में और भी लंबे दिखते हैं। तो मैं पास में गया तो उन्होंने मुझे पूछा कि कुछ याद आया यहाँ पकड़ा और पूछा कुछ याद आया? मैंने बोला कुछ याद नहीं, क्या याद है? कुछ मुझे समझ में ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। ठीक है, सर पे हाथ रखा और बोला समय होने पर सब ठीक हो जाएगा। और फिर वो बोले वापस घर जाओ। तो मैं कॉम्पाउंड से वापस घर गया, किचन के पास जाके फिर के देखा कोई नहीं है। तब से वो 8 ईयर्स की उम्र से मेरा माइंड कम्प्लीटली बदल गया, धीरे धीरे, सडनली नहीं हुआ। रात को अपने आप ध्यान करता था, बहुत सारी चीज़ें मैं देखा हूँ, लिस्ट तो लंबी है। ऐसे होते होते कहाँ कहाँ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी का फिलॉसफी सेक्शन पूरा मैंने ख़त्म किया। कॉलेज स्कूल हार्डली जाता था, क्लास कट किया, पब्लिक लाइब्रेरी में बैठा। ऐसा होते होते 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि मैं कोई पिंजरे में बंद हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पिंजरा तो गोल्ड का था क्योंकि मेरे पिताजी बड़े रिच मैन थे, वो समझते थे कि मैं अकेला बेटा हूँ तो समझते थे कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस ये करेगा, हमारे से तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे तो मुझे लगा कि मैं कुछ केज में हूँ, कुछ पिंजरे में हूँ, पिंजरे की पंछी है तो उसको तोड़ के कैसे निकलेंगे, ये है मेरे मन में। 19 साल की उम्र में मुझे लगा कि अभी यहाँ नहीं रह सकता, किसी को नहीं बताया, गलत है, बताना चाहिए था क्योंकि मेरी माँ बहुत सफ़र की। मैं निकल गया, अब ना गूगल है ना मैप है कुछ है, रेलवे गाइड देख देख के ऋषिकेश पहुँचा, वहाँ से चल के इधर उधर आश्रम में घूमा। बहुत तकलीफ़ पाए, घर पे कैसा है कि खाने को बुलाते हैं, बोलते हैं मैं नहीं आऊँगा, यहाँ देखो भूख की पहली टेस्ट मुझे मिली। तो बहुत तकलीफ़ पाया कि मैं चल के पहुँचा बद्रीनाथ। बहुत लंबी स्टोरी है अब मेरी आत्मकथा में है, मगर इतना कहना चाहता हूँ वहाँ व्यास गुफा में फिर मिला महेश्वरनाथ बाबा जी को। और पहले जो उन्होंने मुझे जिसको आप श्री गुरु बाबा जी बोलते हैं, नहीं श्री गुरु उनके गुरु जी, वो ये महेश्वरनाथ बाबा जी, तो वो पहली बार मुझे देखे गुफा के अंदर तो पहले ये कहा कि घूम फिर के फिर हमारे पास पहुंच गए। मैंने कहा हाँ बाबा जी मैं अभी आपके पैर छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। वो हंसे, हंस के बोले हाँ देखा जाएगा। उनके साथ 3.5 साल में था हिमालय में।